Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. Bank of India Credit Officer Scale II notification is out, and yesterday PNB SO Credit Officer and Scale II Officers exam held. कल exam हुआ है and we are going to do the analysis today itself. ठीक है, आज हम analysis भी करेंगे, right? So my name is Ramandip Singh and I've been teaching on Bank Exams Today from last 12 years. This is my WhatsApp number. आप यहाँ पे अपने doubts भेज सकते हैं और हम answer भी करेंगे, right? सो 27th ऑफ मार्च से लेके 10th ऑफ अप्रैल तक यू कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम. ओके, एंड मिनिमम एज टू अप्लाई 23 एंड मैक्सिमम इज 35 एज ऑन 1st of February 2024, एंड देर आर टोटल 25 वैकेंसीज फॉर क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2. देर आर वैकेंसीज फॉर अदर प्रोफाइल्स, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग प्रोफाइल के लिए. आप चेक कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके. ठीक है, रिलैक्सेशन इज देयर फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो आप चेक कर सकते हैं, राइट, नोटिफिकेशन में. सो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अ डिग्री इन एनी, लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ, अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स चाहिए. पहले तो ग्रेजुएशन विद 60%, मिनिमम 60% मार्क्स, along with MBA, PGDBM, PGDM, PGBM, PGDBA, with specialization in finance, banking and finance from institute of repute, 2-year or 3-year program, post graduation degree in commerce, science और economics, right? अगर आपने MA economics किया है, right? MA economics है आपका, MCOM है या even MSc है, right? Even then you are eligible. ठीक है, so CA, CS, CWA, even they are eligible, right? A certificate in computer course for minimum 3 months is required. Okay, वो most of the students ने कराई होता already. Minimum 2 years of experience as an officer in any public sector bank or any private sector bank, having a business mix of having a business mix of 1 lakh crore as on 31st of March 2023. अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में एज एन ऑफिसर, 2 साल का एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल एज ऑन 31st of March 2020, जो आपका है 1st of February 2024 को ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए. ये जो 1 लाख करोड़ वाला जो बैंक का है, ये आपके लिए नहीं है. बैंक का 1 लाख करोड़ का बिजनेस मिक्स होना चाहिए 31st of March 2023 को. ये बैंक का है, राइट? तो अगर आप अच्छे खास से किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो आप मोस्ट प्रॉब्ली एलिजिबल होंगे. देयर इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 लाख, सर्विस बॉन्ड है 2 लाख रुपए का, एंड कैंडिडेट सिलेक्टेड दे विल बी ऑन रेगुलर बेसिस एंड दे विल रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट स्पेसिफाइड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. 2 लाख रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे जॉब के लिए, एंड दैट अमाउंट वुड बी रिफंडेबल आफ्टर 3 years of satisfactory service, and the amount would be forfeited if the candidates decide to, you know, leave the bank before completion of 3 years. तो आपको 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे बैंक में जॉब अगर आप करना चाहते हो तो. ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू नीड टू सबमिट द मनी, विच इज़ एक्चुअली स्ट्रेंज. बॉन्ड नहीं है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है. दिस इज़ नॉट अ बॉन्ड, दिस इज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड आई होप बैंक आपको इस पर जो है इंटरेस्ट देगा, देनी चाहिए. ठीक है, बट लेट्स से कितनी देता है, देता भी है कि नहीं देता, देनी चाहिए वैसे. द वेटेज ऑफ इंटरव्यू इज़ 20%, रिटन एग्ज़ाम 80%, राइट? एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न. देर इज़ इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा. प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स. So 150 marks are there, 120 minutes are there. Okay. So मैंने देखा है पूरा नोटिफिकेशन में कि क्वेश्चन के नंबर्स लिखने चाहिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल में, कि 50 क्वेश्चन आएंगे PNB की तरह, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है. सो जब हैंड आउट होएगा तो पता चलेगा. एनीवे 60 मिनट्स आर इवन सफिशिएंट टू आंसर 100 क्वेश्चन इफ़ यू नो द आंसर. अगर आपको आंसर आते हैं तो 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? 60 मिनट में 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ द सिनेरियो. लेट्स डिस्कस द सिलेबस. सिलेबस में देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, ऑब्वियसली 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स इज देयर 1/4. सो सिलेबस में In the English language, reading comprehensions, para jumbles, vocabulary-based question, error spotting, error grammar, grammatical error spotting is most important, and then move on to the reading comprehensions. These are the two most important parts. I would say close test आजकल नहीं आता है credit officer में, vocabulary based भी नहीं आता है, para jumbles आते हैं, लेकिन error spotting is most important, right? सबसे ज़्यादा यही आता है. So how you can practice it? What you can do is we will provide you 300 to 400 practice questions from error spotting. 300, 400, 500 question अगर आप कर लेते हो error spotting के, that should be more than sufficient for the preparation of error spotting. For reading comprehensions, reading speed is important and you should be able to comprehend. आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ आ रहा है. ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स नहीं होते हैं. जनरली इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत इजी होता है. पीएनबी का पेपर क्रेडिट ऑफिसर का बहुत इजी था, रिलेटिवली इजी रहता है. लेट्स मूव ऑन टू द प्रोफेशनल नॉलेज. इसमें ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी, टाइप्स ऑफ बॉरोवर्स, क्रेडिट डिलीवरी, क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग. बुकिश है, इसमें से ज़्यादा पेपर आता नहीं है. ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट में से थोड़ा कम पेपर आता है. मूविंग फॉरवर्ड टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें से हर साल, कल भी पीएनबी में भी इसमें से 50 में से 5 क्वेश्चंस आए हैं, रेशियो एनालिसिस. सो कैश फ्लो, फंड फ्लो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. 4-5 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम इफ देयर आर 50 क्वेश्चन. अगर 100 क्वेश्चन है तो 7, 8, 9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट 1-2 क्वेश्चन हर साल इसमें से आते हैं. वर्किंग कैपिटल में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं क्रेडिट ऑफिसर में. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल बी. ओके, इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं बिकॉज सर्कुलर्स भी हैं इसमें, राइट. आरबीआई के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेरिवेटिव्स में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं. लेवरेजेस, कैपिटल बजटिंग में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं. सो 5-6 क्वेश्चन इसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आते हैं. वैसे बी एंड सी मॉड्यूल है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही दोनों ही, राइट. सो टोटल मिला के 50 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. डी मॉड्यूल, इसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस, राइट, एक्सपोर्ट फाइनेंस इज देयर. Priority sector lending is an RBI circular, non-fund based credit facility. Government schemes are very important. Like 6-7 questions you can expect. Yes, 2-3 questions from priority sector lending. Retail loans like 1-2 questions, right? So total you can expect 10 questions, right? मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स में आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, लिमिटेशन लॉ है, तो टोटल कई बार आते हैं क्वेश्चन 2-3, कई बार नहीं आते, राइट. IRAC norms, आरबीआई मास्टर सर्कुलर है, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं. टाइप्स ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट ऑफ एम्पेयर्ड एसेट, IBC, SARFAESI, एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन आर देयर. सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 7-8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. सो द लास्ट मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, द RBI सर्कुलर्स. सी आई रिकमेंड कि आप RBI सर्कुलर्स कम से कम 2 साल के करो, 2-3 साल के, ठीक है. इवन येस्टरडे अलॉट ऑफ क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम ओल्ड RBI सर्कुलर्स. पुराने RBI सर्कुलर्स में से क्वेश्चन आते हैं, लाइक 10-12 क्वेश्चन आने बहुत नॉर्मल है, इतने आ जाते हैं 50 में से. सो द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन टू RBI सर्कुलर, RBI सर्कुलर्स में आप जो एफर्ट कर रहे हो और जो आपको आउटपुट मिल रहा है, बहुत कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. कंपनीज एक्ट, उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं. आरबीआई एक्ट 1-2 क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन 1-2 क्वेश्चन आते हैं, राइट. तो दिस इज द सिनेरियो. ओके, इन द जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग रिफॉर्म्स वी आर गोइंग टू डू, रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, आरबीआई, द सेबी, नाबार्ड, इंटरनेशनल बैंकिंग, लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो तो हम उसी में कर लेंगे प्रोफेशनल नॉलेज में. Latest updates in the financial and capital market, banking and financial terms. A lot of questions are there all the times from banking and financial terms. इसमें से आते रहते हैं. Acts हम बता चुके हैं. Priority sector lending, NPA, SARFAESI बता चुके हैं. Capital market, money market instruments, commercial bank. कोई latest mergers हुआ है banking companies का. कोई recently list of brand ambassadors, ministries and the cabinet ministers. उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कमेटीज़, रिपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रेड, ग्रोथ नंबर्स बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इंडिया का जीडीपी कितना रहेगा 23-24 में, तो ऐसे से कुछ क्वेश्चन आते पेपर में. Union budget, latest mergers and MOUs, heads of various financial institutions, mutual funds, Basel norms, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा कुछ तो कम ही आता है, वैसे आ जाता है फिर भी जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग नहीं है उसमें से भी 5-6-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ रैंक्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स, MOUs, upcoming sports events and the winners, awards and honors. So if you are reading जनरल अवेयरनेस फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो इट्स गुड, आप करते रहिए, आप अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। लेकिन अगर आप रेगुलर जीए नहीं पढ़ रहे हो तो मार्क्स लेने मुश्किल हैं। जीए में मार्क्स उसी के आते हैं जो रेगुलर जीए पढ़ता है। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज़ किसी न किसी वेबसाइट से आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी हुई है जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की, या आपने कोई या डेली शॉर्ट्स या गूगल न्यूज़ ऐसा कुछ आप इंस्टॉल करके रखते हो अपने फ़ोन में। उसमें ऑप्शन भी रहती है कि यू वांट टू रीड द बैंकिंग न्यूज़, अगर आप वो करते हो तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपके इसमें से मार्क्स आ जाएंगे बिना कुछ ज़्यादा पढ़े। बट आपको RBI के सर्कुलर्स और लॉज पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज न्यूज़ वेबसाइट्स दे डू नॉट टीच RBI सर्कुलर्स एंड द लॉज, बिकॉज इट्स नॉट देयर जॉब। ओके, तो वो आपको पर्सनली पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, नहीं करते हैं न्यूज़ वाले। सो न्यूज़ इज़ जनरल, सबको समझ आए, राइट। तो जनरल, इट्स जनरल अवेयरनेस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम न्यूज़, जनरल कंटेंट, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम व्हाट डू यू से बैंकिंग, कोर बैंकिंग, राइट, जो न्यूज़ में नहीं रहती, राइट। तो उसको करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 कोर्स इज अवेलेबल ऑन BankExamsToday.com, इन विच वी आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस हम कवर करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सिलेबस वी हैव डन, राइट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर योर डाउट्स। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, unit test, live session, study material, everything is going to be available in your course, right. पूरा complete coverage करके देंगे आपको, right. So list of our successful students, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and I'm really happy for them. All these students, ये सारे हमारे students पिछले साल ये सारे हमारे students pass हुए थे, and I'm really happy for them. And you can be one of them in the future. आप इनमें से एक हो सकते हो, for sure you'll be one of them in the future. And that's all for today, students. I hope you like today's session. If there is any doubt in your mind, ask your doubts, and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye-bye.